एक बड़ी खबर आ रही है, नोएडा के चर्चित निठारी कांड जिसने 2006 में पूरे देश में सनसनी फैला दी थी, उसी कांड से जुड़े एक मामले में आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने 20 साल की एक युवती की हत्या के मामले में मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई है। तो पंधेर और कोहली को इस मामले में अपहरण, बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया और अब फांसी की सजा सुनाई गई है। तो आरोप ये लगे थे कि युवती का अपहरण किया गया था, दुष्कर्म किया गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी। तो 2006 का यह पूरा मामला, जब पूरे देश में सनसनी फैल गई थी, जब यह घटना सामने आई थी। आपको बता दें कि नोएडा की यह घटना थी जहां निठारी गांव में एक नाले से कई नर कंकाल बरामद किए गए थे। 2006 का मामला, जब नोएडा के निठारी में पंधेर के घर से 19 कंकाल बरामद किए गए थे। पंधेर और कोहली के खिलाफ 16 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए थे। विपिन तोमर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। विपिन, अदालत से क्या जानकारी और मिल पा रही है आपको? जी देखिए, कोहली और पंधेर को जो 302 में इनकी आरोप सिद्ध हुए थे, 22 जुलाई को जो दोषी माना गया था उसमें फांसी और 10,000 का जुर्माना कोर्ट ने लगाया है। इसके अलावा कोहली पे एक एक्स्ट्रा चार्ज था 364 यानी अपहरण का, उसमें कोहली को आजीवन कारावास और 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा कोहली पे जो और धाराएं थी 376, 511 यानी दुष्कर्म का प्रयास, उसमें 10 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना दिया गया है। 201 सबूत मिटाने की जो कोहली पे आरोप था उसमें 7 साल की सजा और 5,000 का जुर्माना दिया गया है। वहीं पंधेर को भी 302 के मामले में फांसी और 10,000 रुपए का जुर्माना, 376, 511, 120 बी में 7 साल की सजा, 10,000 का जुर्माना और 201 में 7 साल की सजा दी गई है। जी चलिए, शुक्रिया विपिन इस जानकारी के लिए। तो दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई है अदालत की तरफ से। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।